दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित केले गेले आहेत, तसेच विविध गोष्टींचे स्टॉल्स देखील लावण्यात आले आहेत. दीक्षाभूमीमध्ये लावण्यात आलेल्या संपूर्ण स्टॉल्सपैकी एका स्टॉलमध्ये एक आगळा वेगळा विषय बघायला मिळाला. या स्टॉलद्वारे येणाऱ्या काळात बाबासाहेबांच्या मृत्यूनंतरच्या घटनेवर आधारित चित्रपटाचे प्रमोशन करण्यात आले आहे. 6 डिसेंबर 1956 साली बाबासाहेबांचा मृत्यू झाला होता. या दिवसाला महापरिनिर्वाण या नावाने संबोधले जाते. बाबासाहेबांच्या प्रेमापोटी त्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांचे दर्शन लोकांना करून देण्यासाठी ज्या व्यक्तीने प्रयत्न केले त्या व्यक्तीच्या प्रवासावर हा चित्रपट आधारित आहे. या चित्रपटाचे नाव परिनिर्वाण असे असून हा चित्रपट एप्रिल महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाला संध्या आशिष ढोले यांनी प्रोड्यूस केले आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शक शैलेंद्र कृष्णा बागडे आणि प्रोडक्शन हेड राहुल पाटील यांच्याशी बीकेबी न्यूजचे प्रतिनिधी सम्राट गोटेकर यांनी संवाद साधलाय. परिनिर्वाण ये जो फिल्म है ये हम लोग मराठी में ये फिल्म का निर्माण कर रहे हैं. इसके प्रोड्यूसर है संध्या आशीष ढोले और इसमें सभी जो टेक्नीशियन है वो मुंबई के नामचीन टेक्नीशियन इसमें काम कर रहे हैं. हमारी ये फिल्म हम लोग अप्रैल में रिलीज़ करने का हम लोग का मानस है और उस दिशा में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं. परिनिर्वाण ये जो फिल्म है ये 1956 बाबा साहब के परिनिर्वाण यात्रा के ऊपर में है. जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, तो उसी समय पैरेलल में एक और घटना चल रही थी. जब बाबा साहब की अंत्ययात्रा निकल रही थी तो उसी समय एक फिल्म मेकर थे, बहुत अच्छे और नामचीन फिल्म मेकर थे, उसे लगा कि ये सारी चीज़ें कैमरे में कैद करनी चाहिए आने वाले भविष्य के लिए. तो उसने अपना सारा जो घर था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, सारी बेच के उसने वो फिल्म तैयार की और आज हम लोग जो फुटेज देख रहे हैं वो फुटेज उनका शूट किया हुआ है. तो आज इस पीढ़ी तक भी उनका फुटेज हम लोग देख रहे हैं. तो उस ग्रेट व्यक्तित्व को, उस ग्रेट व्यक्ति के बारे में ये फिल्म है, उसके जीवन के ऊपर में ये फिल्म है. और इस फिल्म से हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आदमी के डिवोशन कला के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, उसके विचारों के प्रति कितना बड़ा हो सकता, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो उसके पास में पैसे नहीं थे लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी. तो ये है परिनिर्वाण की संपूर्ण परिकल्पना. और हम लोग इस फिल्म में काफ़ी बड़े कास्ट हम लोग लेके इस फिल्म का काम शुरू है. कास्ट में अभी एकदम शुरुआती है तो हम लोग कास्ट बताएंगे नहीं, लेकिन काफ़ी बड़े कास्ट को आप इस सारे फिल्म में देखने को आपको मिलेगा. और टेक्निकली ये फिल्म बहुत साउंड हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़े टेक्नीशियन लेके VFX फिल्म में काफ़ी है, काफ़ी इफ़ेक्ट्स पे फिल्म काम कर रही है. और एक साथ हम लोग इसको 6 भाषा में रिलीज़ करने का हमारा मानस है. अप्रैल में हम लोग पहले इसका मेकिंग हम लोग मराठी में कर रहे हैं, उसके बाद में उसको हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा, पंजाबी में उसको हम लोग डब करके एट ए टाइम पूरे इंडिया में निकालने का हम लोग का मानस है. 14 अप्रैल को इसलिए कि आमतौर पे सभी फेस्टिवल पीरियड में हर विचारधारा की या हर अलग अलग हीरोज़ की फिल्में आती है, तो हमने भी ये सोचा कि क्यों ना 14 अप्रैल के एक अच्छे पावन से पर्व पर हम भी एक अच्छी फिल्म दें हमारे लोगों को, जिसके वजह से उन्हें भी फेस्टिवल एंजॉय करने का मौका मिले. तो हम लोग स्पेशली ये 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिल्म लाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े लेवल पे फिल्म रिलीज़ करने का हमारा पूरा प्लानिंग है. और ऑडियंस से मेरी दिली ख्वाहिश है कि आज तक के आप लोगों ने सारे वैचारिक लेवल की फिल्में हो या कमर्शियल फिल्में हो, जिस तरीके से उन फिल्मों को सराहा, इस फिल्म को स्पेशली जो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के महा यात्रा के संदर्भ में ये फिल्म है और एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, तो मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक इस फिल्म को, यानी एक हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुजन समाज से आते हैं, बहुजन समाज के लोग आज तक के सिल्वर स्क्रीन पे काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कॉस्टली है फिल्म मेकिंग, ये जो पूरा प्रक्रिया है ये बहुत कॉस्टली है और इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा है. तो इतना बड़ा बजट है और यदि वो प्रोड्यूसर को उसमें से रिटर्न मिलेगा तो वो और भी उस तरीके की फिल्म बनाएगा.
तो मेरा ये बहुत रिक्वेस्ट है सभी ऑडियंस से, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो थिएटर में ही जाके फिल्म को देखे, मोबाइल पे फिल्म ना देखे, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी हम हमारे तरफ से उसका प्रमोशन करने ही वाले हैं, लेकिन आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में थिएटर में जाए। मैं फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार, माझं नाव राहुल पाटील, आम्ही फिल्म घेऊन येत आहे परिनिर्वाण नावाची। एप्रिलमध्ये याचा रिलीज करण्याचा आमचा प्लॅन आहे। 1956 जे बाबासाहेब आंबेडकरांचं परिनिर्वाण झालं त्याच्या पॅरललमध्ये एक अशी घटना घडत होती, आणि ह्या बेसिक गोष्टीला घेऊन आपण एक चित्रपट बनवत आहोत। याला सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मीडियाने आणि लोकांनी त्याला प्रतिसाद द्यावा। ही भाषा 6 लँग्वेजेसमध्ये ही फिल्म येणार आहे, मराठी, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू। तर सर्वांनी ही फिल्म बघावी। विशेष गोष्ट म्हणजे हा जो काळ आहे हे मुंबईमध्ये आपण पूर्ण दाखवणार आहे, 1956 काळ। तर ते आत्ताच्या करंट सिच्युएशनमध्ये सगळं VFX आणि टेक्नॉलॉजीला घेऊन करायला लागेल। सो हे खूप डिफिकल्ट टास्क आहे, आणि एखाद्या मराठी फिल्मला प्रोड्युसर मिळणं पण एक खूप मोठी गोष्ट असते। योगायोगाने आम्हाला चांगले प्रोड्युसर मिळाले, प्रोड्युसर संध्या आशिष ढोले यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला आहे फिल्मसाठी। तर मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं की ही फिल्म जरूर थिएटरमध्ये जाऊन बघा आणि उदंड प्रतिसाद द्या। धन्यवाद।